हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइगर जिंदा है की कुछ बड़ी मिस्टेक्स। तो चलिए वक्त को ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि जब टाइगर वुल्फ को टक्कर मारता है तो टाइगर को उनको टक्कर मारने के बाद वहीं रुक जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। टाइगर भी आगे की साइड बैकफ्लिप मारता हुआ जाता है और वो वुल्फ भी उसी साइड गिरते हैं। इसी जंप वाले सीन को जब हम ट्रेलर में देखते हैं तो वहां पे कोई वुल्फ नहीं दिखाए गए हैं, बट प्रोमो के अंदर उसमें वुल्फ डाले गए हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि जब टाइगर को हवा में उड़ते हुए दिखाया है तो आप पीछे की बैकग्राउंड देख सकते हैं, पीछे कोई पेड़ नहीं गिरा हुआ है और ना ही सनलाइट है। और अगले सीन में हम देखते हैं जब टाइगर लैंड करता है तो पीछे एक पेड़ भी आ जाता है और एकदम से सनलाइट भी आ जाती है। इसी सीन के अंदर ऑफिशियल ट्रेलर में पेड़ नहीं होता है, पर प्रोमो के अंदर पेड़ दिखाया गया है। इस सीन में हम देखते हैं कि जब वुल्फ टाइगर पर अटैक करता है तो आप देख सकते हैं वुल्फ टाइगर के कितना पास है। अगर टाइगर इस वक्त उसके मार भी देगा तो फिर भी वुल्फ उसके अटैक कर ही देगा, टाइगर कुछ नहीं कर सकता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब वुल्फ टाइगर पर अटैक करता है तो आप देख सकते हैं वुल्फ की पोजिशन क्या है, वो टाइगर पर अटैक करने वाला है और वुल्फ जिस तरह से टाइगर पर अटैक कर रहा है तो उसको टाइगर के दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, वो टाइगर के दोनों हाथों के पीछे, मतलब ये दोनों फुटेजेस अलग अलग हैं। इस वजह से वुल्फ बिल्कुल टाइगर के दोनों हाथों के पीछे दिखाई दे रहा है। इस सीन में देखते हैं कि जब टाइगर अपने रुमाल को मुंह से हटाता है तो वो उसको नीचे की साइड रख देता है, पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रुमाल पत्थर के ऊपर रखा हुआ दिख रहा है। इस सीन में देखते हैं कि जब ये बंदा बजूगा से फायर करता है तो उसके निशाने की भी आप देख सकते हैं, वो निशाना जाके सामने गुंबद की साइड पर लगना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, वो निशाना दूसरी जगह पे जाके लगता है। इस सीन में हम देखते हैं कि बच्चे और आदमी को दिखाया गया है तो उनके पीछे का आप बैनर देख सकते हैं, उस पर कुछ अगेंस्ट ऑपरेशन करके कुछ लिखा हुआ है। और इसी सीन का जब वाइट शॉट हम देखते हैं तो इस बैनर के आगे इस बच्चे और आदमी को नहीं दिखाया गया है, जबकि यही सेम सीन है। इस सीन में हम देखते हैं कि जब टेररिस्ट बस ड्राइवर के हेडशॉट मारता है तो उसके खून निकलते हुए नहीं दिखाया गया है और एकदम से उसे गिरते हुए दिखाया गया है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि सारी लड़कियां सहमी हुई एक ही जगह पर देख रही हैं, पर इनमें से एक लड़की कैमरे में देख रही है। इस सीन में हम देखते हैं कि टाइगर बीच सड़क पे स्टूल रखा हुआ था और उस स्टूल को टाइगर उठा लेता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बीच सड़क पे स्टूल पे कौन बैठता है। टाइगर जब इस स्टूल को उठाता है तो आप देख सकते हैं कि इस स्टूल के चार पाए हैं और ऑब्वियसली स्टूल के चार ही पाए होते हैं, पर जब टाइगर स्टूल को उठा के फेंकता है तो आप देख सकते हैं स्टूल जब टकराता है तो इसके तीन पाए हो जाते हैं, और ऑब्वियसली जब टकराता है टूटेगा तो उसके तीन ही पाए होंगे, और उसके बाद इस स्टूल के पांच पाए हो जाते हैं, मतलब टूटने के बाद इसके पाए और बढ़ गए, और उसके बाद अगले सीन में इसके दोबारा चार पाए हो जाते हैं, तो मतलब ये हुआ क्या है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब स्टूल बैक पर टकराता है तो आप पीछे की लोकेशन देख सकते हैं, स्टूल को इसी गेट के पास गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्टूल आगे की साइड गिरा हुआ होता है, काफी आगे की साइड गिरा हुआ होता है। और पिछले सीन में हमने देखा था कि रोड बिल्कुल साफ था और इस सीन में रोड पे एकदम से रेत आ गई है। इस सीन में हम देखते हैं कि जोए की पोजीशन कैसे है, उसके पैर हवा में हैं। और इसी अगले फ्रेम में हम देखते हैं कि जोए के पैर हवा से उस टेररिस्ट के हाथों में आ जाते हैं। इस सीन में जब टेररिस्ट गिरने वाला होता है तो ये जोए के पैर पकड़ लेता है, और इसी के अगले सीन में जब ये गिर जाता है तो उसके दोनों हाथ हवा में होते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि जोया पता नहीं किसको ढूंढते ढूंढते कैमरे को ढूंढ लेती है और वो कैमरे में देख रही है। इस सीन को जब हम ट्रेलर में देखते हैं तो सलमान खान के चश्मे के अंदर स्नो की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है, पर जब यही सीन हम सॉन्ग के अंदर देखते हैं तो सलमान खान के चश्मे के अंदर पेंटिंग रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देती है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि सलमान खान जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी की पोजीशन बिल्कुल सीधी है और वो गाड़ी की विंडो से बाहर निकले हुए हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गाड़ी की रोटेशन चेंज हो जाती है, गाड़ी सीधी जगह तिरछी हवा में जा रही होती है, और जिस तरह के सलमान खान विंडो के बाहर निकले हुए होते हैं उन्हें इस सीन में गाड़ी के बाहर भी दिखना चाहिए था। इस सीन में आप देख सकते हैं जब गाड़ी दरवाजे टकराती है तो दरवाजा टूटता हुआ दिखाया गया है, पर अगले सीन में दिखाया गया है कि दरवाजा टूटा नहीं है, खुला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि जब ये ट्रक आकर दीवार से टकराता है तो इसकी पोजीशन के हिसाब से इस ट्रक को गिरना नहीं चाहिए क्योंकि सामने से आकर टकराया है, पर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये ट्रक दूसरी साइड पे पलट जाता है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि अब उस्मान के चश्मे के अंदर स्पॉटलाइट की रिफ्लेक्शन साफ दिख रही है। इस सीन में हम देखते हैं कि टाइगर के आईब्रो के ऊपर एक कट है, और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइगर की आईब्रो के ऊपर कोई कट नहीं होता है, वो कट गायब हो जाता है।
फिल्म के इस आइकॉनिक सीन में हम देखते हैं कि जब टाइगर गन लेके यहाँ से बाहर जा रहा होता है, तो आप इस जगह को ध्यान से देखिए। इस जगह में लेफ्ट और राइट साइड पे चेस रखी हुई, एक हॉस्पिटल है और लेफ्ट साइड पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। पर जब टाइगर यहाँ से बाहर निकलता है तो आप देख सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो जाती है, पीछे बिल्कुल डिफरेंट जगह दिखाई गई है। इस सीन में हम देखते हैं कि जब टाइगर इस गाड़ी के ड्राइवर की गोली मारता है, ये गाड़ी टकरा के उछलती है और उछलने के बाद इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर था वो ड्राइवर उसमें से गायब हो जाता है। गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं दिखाया गया, आप देख सकते हैं। इस सीन में आप देख सकते हैं सलमान खान के पीछे की लोकेशन कैसी है, और अगले सीन में जब ये फायर करता है तो आप देख सकते हैं पीछे की लोकेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये थी टाइगर जिंदा है की कुछ बड़ी मिस्टेक्स जो कि हमने ट्रेलर्स एंड प्रोमोस में से निकाली थी। और जब इस मूवी का ओरिजिनल प्रिंट आ जाएगा तो हम इसके फुल फिल्मी एरर्स निकालेंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और आपको कोई सजेशन देने तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।